हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आपको भी जरूर देखनी चाहिए, खास करके होम थिएटर में और वो भी रात के समय में, क्योंकि मैंने खुद इसे नेटफ्लिक्स पर सेम समय पर देखी है। और मेरा विश्वास कीजिए, ये हॉरर मूवी एक कमजोर दिल के इंसान की पतलून सच में गीली कर सकती है। तो आखिर क्या है ऐसा इस मूवी में, जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। मूवी मेक्सिको में 1673 के समय में शुरू होती है, जहां दो बच्चे अपनी माँ को एक खूबसूरत पेंडेंट गिफ्ट करते हैं, जिसे उनकी माँ हमेशा संभाल कर रखने का वादा करती है। लेकिन जब सभी खुशी में झूम रहे होते हैं, जिनमें से एक बेटा अपनी आंखें मूंद लेता है, आंखें खोलने पर वो देखता है कि उसकी माँ और भाई गायब है। वो अब उन्हें ढूंढते हुए करीब के नदी किनारे पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी माँ ने उसकी भाई को नदी में बेरहमी से डुबोकर मार दिया। जो दीक वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है, पर वो उसे भी पकड़कर नदी के तरफ ले जाने लगती है। जीसी के चीख के साथ ये सीन यहीं एंड हो जाती है। आप सीन 300 साल आगे लॉस एंजेलिस शहर में एना की तरफ मुड़ जाती है, जो सरकारी चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करती है, पर हाल ही में अपने पति को खोने के बाद से वो अपने काम में ठीक से मन नहीं लगा पा रही। इसलिए केस नेम पैट्रिशिया, जो कभी उसका था, उसका बॉस उसके कोवर्कर को सौंप देता है, पर एना के विरोध करने पर उसका बॉस उसे फिर से वो केस वापिस कर देता है। अब केस के तहत जहाँ पैट्रिशिया के बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे, एना एक ऑफिसर के साथ उसके घर पर विजिट करती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि पैट्रिशिया ने खुद का बहुत बुरा हाल कर रखा है, जिसे समय समय पर किसी की रोने की आवाज भी सुनाई देती रहती है और उसके बच्चे भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जांच करने पर एना को पता चलता है कि पैट्रिशिया ने अनजान कारण से अपने बच्चों को एक कमरे में बंद कर रखा है, जिसके दरवाजे पर अजीब से मंत्र बनाए गए थे। एना अब जब उसे खोलने पड़ती है तो पैट्रिशिया उस पर हमला कर देती है, इसलिए ऑफिसर को उसे घसीटते हुए ले जाना पड़ता है। पर जाते जाते पैट्रिशिया बार बार एना को वार्न कर जाती है कि कुछ भी हो, उस कमरे को सिर्फ आज के लिए मत खोलना, लेकिन एना नहीं सुनती और वो दरवाजा खोल देती है, बिना जाने के उसने उन्हें कितने बड़े खतरे में डाल दिया है। पैट्रिशिया के बेटे कार्लोस और टॉमस अब एना से कहते कि उन्हें कमरे में ही रहने दो ताकि वो बचे रहे, लेकिन एना उन्हें वादा करती कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए वो उन्हें सुरक्षित चाइल्ड वेलफेयर शेल्टर में छोड़ आती है। पर उसी रात सोते वक्त कार्लोस एक औरत के रोने की आवाज से जाग जाता है, जिसे टॉमस बेड पर नहीं मिलता। वो फिर उसे ढूंढते हुए हॉलवे तक जाता है, जहां उसे टॉमस डरावने पोज में खड़ा मिलता है, जो फिर उसे मिरर की तरफ इशारा करता है। और अब जब कार्लोस पलटकर वहीं देखता है तो उसे मिरर पर किसी का साया नजर आता है, जो फिर अनजान कारण से टूटते ही वही साया अचानक में प्रकट होकर एक जोरदार चीख से उनके रोंगटे खड़े कर देती है। और फिर तुरंत ये सीन एना की तरफ मुड़ जाती है, जिसे डिटेक्टिव कूपर का कॉल आता है तुरंत वारदात पर पहुंचने के लिए। एना के पास अब समय नहीं था अपने बच्चों को बेबीसिटर के साथ छोड़ने के लिए, इसलिए वो उन्हें भी लेकर लोकेशन पर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि कार्लोस और टॉमस की लाश उन्हें करीबी नदी में मिली, जो दी को एकदम दंग रह जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले वो एकदम ठीक थे। यहां पैट्रिशिया भी उनकी मौत के लिए जिम्मेदार एना को ही मानती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को लेलोमा से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डिटेक्टिव और एना को लगता है कि उसी ने अपने बच्चों की जान ली, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर यहाँ हमें क्लियर होता है कि उस पर कार्लोस और टॉमस लालोरमा के बारे में ही बात कर रहे थे, जिनसे उनकी माँ ने बचाने के लिए ही मंत्र से इक्विप रूम में बंद करके रखा था। इसी दौरान एना के बच्चे क्रिस और सैम जिन्हें गाड़ी में रुकने के लिए कहा गया था, क्यूरियस क्रिस गाड़ी से निकलकर चुपके से देखने जाता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल निकलती है, क्योंकि अब उसे भी लालोरमा की रोने की आवाज सुनाई देती है, जो क्रिस को देख लेती है और फिर स्पेनिश में अपने बच्चों के बारे में बड़बड़ाने लगती है, जो उसे भी अपने साथ ले जाने की धमकी देती है। वो फिर अचानक में अंधेरी से निकलते ही क्रिस का हाथ दबोच लेती है, लेकिन क्रिस कैसे तो उससे पीछा छुड़ाकर खुद को गाड़ी में लॉक कर लेता है। अब इस घटना से वो इतना डर जाता है कि वो अपनी माँ को भी इसके बारे में नहीं बताता, खास करके उस निशान के बारे में जो ललोरमा के छूने से पड़े थे। अब अगले दिन घर से निकलने पर एना देखती है कि कुछ लोग बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए एक तरह का पूजा कर रहे हैं, जहां उसकी मुलाकात फादर पेरेस से होती है। अब एना के ललोरमा के बारे में फादर से पूछने पर वो बताते हैं कि वो अपने गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी, जिसे एक रेंजर से प्यार हो गया, जिनके दो बेटे भी थे और सब कुछ ठीक चल रहा था,
तब तक जब तक उसने अपने पति को एक जवान औरत के साथ देखा, जिस गुस्से में उसने अपने पति को तकलीफ देने के लिए अपने ही बच्चों को मार डाला। लेकिन अपने कर्मों को समझने के बाद वो इतनी दुख और पछतावे से भर गई कि उसने अपनी आप को भी नदी में डुबो दिया। लेकिन मरने के बाद वो आफ्टर लाइफ में प्रवेश नहीं कर पाई। तब से वो अपने बच्चों की जगह भरने के लिए दूसरों के बच्चों को उनकी माँ से छीनने की कोशिश करती आ रही है। पर ऐना को ये सारी बात से मनगढ़ंत लगती है। वहीं यहाँ जब सैम घर के आंगन में टहलते वक्त अपना ट्रांसपेरेंट छतरी खोलती है तो उसे उसकी ट्रू ललोरमा की डरावनी झलक दिखाई देती है। इतना कम नहीं कि जब उसकी छतरी पूल में गिर जाती है और वो उसे लेने के लिए बढ़ती है, तब अचानक में ललोरमा उसे भी दबोच लेती है, जिससे उसके भी हाथ पर वही निशान पड़ जाते है। ऐना अब सैम के हाथों पर वो घाव नोटिस करती है, पर सैम भी उस घटना के डर से समझ नहीं पा रही थी कि वो घाव उसे कैसे लगा। वाई कूपर उसे मिलकर खबर करता है कि पैट्रिशा के खिलाफ उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले कि उसी ने अपने बच्चों की जान ली है, इसलिए उसी यानी कि ऐना को ही केस की फाइल की जांच करनी होगी क्योंकि आखिरी बार वही उसे मिली थी। इसलिए ऐना उसके फाइल को स्टडी करने लगती है और जब उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है तो उसे सैम के हाथों के घाव याद आते है। इतना कम नहीं कि उसी पर क्रिस के कमरे का दरवाजा अनजान कारण से अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है, जिसके दरवाजे के मिरर पर उसे पहली बार ललोमा का डरावना साया नजर आता है, जिस मिरर के क्रैक होते ही दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है, जो फिर कुछ देर बाद दरवाजे पर नजर आती है, जिसे देख ऐना के रोंगटे खड़े हो जाते है। पर उसके बच्चों के दरवाजे खोलने पर वो गायब भी हो जाती है। लेकिन इस घटना ने ऐना को झंझोर कर रख दिया था, इसलिए ललोरमा के बारे में जानने के लिए वो अगले दिन पैट्रिशा से जेल में मिलती है। यहाँ ऐना को दिल दहला देने वाली जानकारी का पता चलता है कि जब उसके बच्चे मरे तो सनकी पैट्रिशा ने अपने बच्चों को फिर से पाने के लिए भगवान से नहीं बल्कि ललोरमा से दुआ किया कि वो ऐना के बच्चों को ले जाए और उनके बदले उसके बच्चों को वापिस कर दे। इससे अब हमें समझ आता है कि आखिर क्यों क्रिस को उस समय ललोरमा दिखाई दी, जो जानकर ऐना के रोंगटे खड़े हो जाते। इसी दौरान क्रिस को फिर से ललोरमा की आहट महसूस होती है और जब वो उसे चेक करने पड़ता है तो ललोरमा अचानक में प्रकट होकर क्रिस की जान लेने पड़ती है, जिसके कारण क्रिस सीढ़ियों से गिर जाता है, जिससे उसे बुरी तरह चोट आ जाती है। इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इतना कम नहीं कि ऐना, जो खुद दूसरों के परिवार से उनके बच्चों को उनसे अलग करने की जिम्मेदार रही है, क्रिस के हाथों पर घाव देकर डॉक्टर्स को लगता है कि ऐना अपने बच्चों पर अत्याचार कर रही है, इसलिए उस पर भी उसके ऑफिस द्वारा जांच की जाती है। पर बच्चे झूठ कह देते कि वो घाव उन्हें गिरने से लगे, क्योंकि डिटेक्टिव को ललोरमा की कहानी पर विश्वास नहीं होगा। ऐना अब उनके जाने के बाद परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए वो क्रिस से इसके बारे में सवाल करती है, जो इस बार सब कुछ सच बता देता है। लेकिन इसी दौरान सैम, जो बाथटब में स्नान ले रही थी, ललोरमा यहाँ भी प्रकट होकर उसे डुबोने की कोशिश करती है। उसकी चीख सुनते ही ऐना तुरंत उसे बचाने पहुँचती है, जो उसे छुड़ाने में सफल तो रहती है, लेकिन अब ललोरमा उसे ही दबोच लेती है और अब पहली बार ऐना उसका डरावना चेहरा और खूनी आंसू देखती है। लेकिन वो कैसे तो उसके चंगुल से भाग निकलती है। आप परेशान ऐना फादर पेरेस से मदद मांगती है, जो उसे एक फॉर्मर प्रीस रफेल के बारे में बताते हैं। इसलिए ऐना अब तुरंत उनसे मिलकर मदद मांगती है, जो ऐना के हाथों पर घाव देखकर समझ जाता है कि उन पर एक शक्तिशाली बुरी आत्मा का साया है। इतना कम नहीं कि जब वो उनके घर जाकर कुछ अंडे की मदद से एक्सपेरिमेंट करता है तो वो श्योर हो जाता है कि ललोरमा का साया उन पर मंडरा रहा है और चाहे वो कहीं भी चले जाए वो उनका पीछा करती रहेगी, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। राफेल वही रात गुजारने का तय करता है और ललोरमा को सबसे दूर करने के लिए तैयारी करता है, जहां वो उन्हें एक क्रॉस भी दिखाता है जिसे उसी पेड़ के टहनियों से बनाया गया था, जिसके नीचे ललोरमा ने अपने बच्चों की जान ली थी। आप देखते देखते रात हो जाती है और जल्दी उन्हें ललोरमा के प्रेजेंस का एहसास होने लगता है। राफेल तुरंत उन्हें एक सुरक्षा कवच में बने रहने को कहता है ताकि वो उन तक पहुंच ना सके, लेकिन ललोरमा के सिवे एक जोरदार चीख से वो कवच एकदम से टूट जाता है, जिसकी तुरंत बाद वो ऐना पर बुरी तरह से हमला कर देती है। क्रिस और सैम अब उससे बचने के लिए अपने रूम में जाकर बैठ के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन ललोरमा वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ती, जो एकदम से उन पर टूट पड़ती है। पर सही समय पर राफेल ललोरमा के चेहरे पर होली वाटर छिड़क कर उसे बच्चों से कुछ देर के लिए दूर करने में सफल रहता है।
अब इससे पहले कि वो फिर से उन पर हमला करे, रफेल तुरंत उसी पेड़ की सीट से एक लक्ष्मण रेखा बना देता है जिसे ललोरमा पार नहीं कर पाती। पर वो हार मानने वाली भी नहीं थी, क्योंकि फिर वो एक दूसरे दरवाजे से जहाँ लक्ष्मण रेखा ठीक से बनी नहीं थी वहां से सैम को लूर करते हुए घसीटते हुए पूल ले जाती है। एना अब तुरंत पूल में कूद कर अपने बेटी को बचाने की कोशिश करती है, पर अब ललोरमा उसे ही दबोच लेती है जिसकी जान निकल ही जाती अगर रफेल ने सही समय पर पूरे पूल के पानी को होली वाटर से पवित्र नहीं किया होता। वहीं इस हाथापाई में एना के हाथ में ललोरमा का लॉकेट लग जाता है, जो वही लॉकेट है जो उसके बच्चों ने उसे गिव किया था। अब इससे पहले कि ललोरमा फिर से बच्चों तक पहुंचे, रफेल पैट्रिशा की तरह उन्हें भी वार्डरोम में मंत्र के साथ सेफली बंद कर देता है। पर एक मुसीबत कम नहीं थी कि अब दूसरी आ जाती है, क्योंकि कुछ पल बाद उन्हें एक नया हार्ट महसूस होता है जो पैट्रिशा की निकलती है, जो उसके बच्चों को अगवा करने की कोशिश कर रही थी इस बेतुकी उम्मीद में कि इनके बदले ललोरमा उसके बच्चों को उसे लौटा देगी। जिसी गुस्से में वो लक्ष्मण रेखा को भी मिटा देती है, जिसकी मदद से ललोरमा उनके घर में फिर से प्रवेश कर जाती है, जो घसीटते हुए सभी को अलग अलग कमरे में लॉक कर देती है और फिर सैम और क्रिस के पीछे पड़ जाती है। ये दोनों अब उससे बचने के लिए खुद को एडिक में लॉक कर लेते हैं, लेकिन ललोरमा उन्हें यहाँ भी ढूंढ निकालती है, जो अब उनकी तरफ बढ़ने लगती है। पर सैम के उसे वो ही उसका लॉकेट दिखाने पर वो एकदम से शांत भी हो जाती है, जो फिर धीरे धीरे अपने असली रूप में आ जाती है। पर अपना असली चेहरा मिरर में देखते ही वो फिर से बौखला जाती है। राफेल और एना वहाँ पहुँच कर उसे रोकने की कोशिश करते है, पर वो उन्हें आसानी से दूर फेंक देती है। ललोरमा अब एकदम बौखलाई वो तेजी से एना और बच्चों की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन रफेल चतुराई दिखाते हुए तुरंत उसी क्रॉस को एना की तरफ ढकलता है, जो एना उठाते ही उसे ललोरमा के छाती में घुसा देती है, जिसके पवित्र शक्ति से फाइनली ललोरमा की मौत हो जाती है। अब अगले दिन एना और उसके बच्चे रफेल का बहुत धन्यवाद करते है कि उसने उन्हें ललोरमा से मुक्ति दिलाई। लेकिन रफेल के जाते ही एना को फिर से करीब पड़े पानी में एक डरावनी रूह और रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसी हॉरर सीन के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है, यानी कि इसका अगला पार्ट भी बन सकता है, क्योंकि शायद ललोरमा अब भी पूरी तरह से मरी नहीं है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।